सवाल खड़े करेगा तब संघर्षों का निर्माण होगा। आज जिस तरह से प्रदेश और देश की सरकारें आम आदमी, आम विद्यार्थी, आम किसान के लिए काम नहीं करते हुए देश के पूंजीपतियों के लिए काम कर रही हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इन लोगों के करोड़ों रुपए के कर्ज माफ हो रहे हैं, एक तरफ पूरे भारत का किसान अपने संकट के दौर से गुजर रहा है। आज ऐसी स्थितियां इसलिए है क्योंकि देश के नौजवान ने, कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान ने सवाल करना बंद कर दिया है। आज जाति और धर्म के नाम पर वो लोग हमें तोड़कर हमें आपस में बिखराना चाहते हैं और उनके बिखराव की वजह से पूरे देश का विद्यार्थी, प्रदेश का विद्यार्थी मूलभूत मुद्दों से हटकर कहीं जातीय व्यवस्था में, कहीं धर्म की व्यवस्था में फंस कर रह जाता है। साथियों, इसी तरह से हमारे जिले की स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से हमारे साथियों ने बताया कि पिछले काफी सालों से छात्र संगठन एसएफआई शिक्षा और शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहा है। साथियों, हमें बेहतरीन तरीके से याद है कि आप ही की तरह हम भी कॉलेज के विद्यार्थी हुआ करते थे। देखिए साथियों, वर्तमान में जिस तरह से देश के अंदर देश और प्रदेश की सरकारें विद्यार्थी के हितों के ऊपर हमले कर रही हैं, मानवता के हितों पर हमले कर रही हैं, वो बड़ा ही एक चिंताजनक समय देश के नौजवान और विद्यार्थी के सामने खड़ा है। जिस तरह से आज के इस मंच के ऊपर दो फोटो हमारे सामने लगी हुई है, शहीद आजम सरदार भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हमें विद्यार्थी को ये चिंतन करने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि क्या परिस्थितियां देश में है कि इन लोगों ने जिस तरह से हमें रास्ता, जीने का रास्ता, संविधान और सब कुछ दिशाएं दिखाई, उन दिशाओं के ऊपर आज देश खतरे में क्यों मंडरा रहा है। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले काफी दिनों से दिल्ली की सड़कों के ऊपर जेएनयू के विद्यार्थी लड़ाई लड़ रहे हैं। ना केवल जेएनयू बल्कि पूरे भारत का विद्यार्थी अपने मूलभूत अधिकारों, अपनी समस्याओं, फीस वर्दी सहित तमाम मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा इसलिए है दोस्तों कि देश और प्रदेश की सरकारें आम विद्यार्थी को उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंचने देना चाहती, क्योंकि सरकारें अच्छे तरह से जानती हैं कि जब विद्यार्थी उच्च शिक्षा को ग्रहण करेगा, विद्यार्थी जब उच्च शिक्षा तक पहुंचेगा तो वह सरकारों के